इमर्जिंग एशिया कप में इंडिया ने जो पाकिस्तान को हराया तो वहीं से स्पष्ट था गुरु जलवा हमारा दिखेगा, कमाल होगा और ये कमाल हुआ। पहले हमने पाकिस्तान को हराया और अब यूएई को तो ऐसा हराया कि यूएई बेचारी सोच रहे हो कि यार करे तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, क्योंकि यूएई ने इंडिया के सामने जैसे तैसे 107 रन बनाए थे। उन्हें लगा था कि मामला कुछ हो जाएगा यार, कहानी हो जाएगी, लेकिन इंडिया ने 10.5 ओवर में मार मुरे ख़त्म कर दिया। मानो इंडिया ने मैसेज दिया हो कि यार जब क्रिकेट की दुनिया में कोई छोटा आदमी तुमसे भिड़ने आए तो इतना कस के पीटो कि उसको रियलाइज हो किसी से बड़े से मिले थे। और इसी का असर है कि दो मैच बैक टू बैक इंडिया जीती, पॉइंट टेबल में टॉप पर, और इमर्जिंग एशिया कप के इस टूर्नामेंट में इंडिया पहली टीम बन गई जिसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। गजब का क्वालिफिकेशन स्टाइल। अभिषेक शर्मा जो थे और बाकी जितने भी लड़के थे, रसिक सलाम कश्मीर वाला जिसके बारे में हमने कहा था कि पाकिस्तान को उसने सलाम भेजा, उसने इस बार यूएई वालों को भी सलाम भेजा। 5 गेंद में भाई ने खटाखट विकेट निकाल दी, 3 विकेट 5 गेंद में निकाल दिए थे पहले ओवर में, वही तोड़ के रख दिया था 107 रन पर। पूरी यूएई की टीम ऑल आउट हो गई, लेकिन जब बैटिंग करने हम आए तो दिखाया कि बैटिंग में डिफरेंस है गुरु, हमारी बैटिंग और सामने वाले की बैटिंग में डिफरेंस है। हमारे पास जो लड़के हैं उनमें दमखम है, जैसे अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा युवराज सिंह के सिखाए हुए खिलाड़ी हैं, चल जाते हैं तो सीधे चांद तक, नहीं तो शाम तक। 24 गेंद में 58 रन ठोक दिए भाई साहब, एक ही ओवर में तबाही मचा दी। तिलक वर्मा ने भी 18 पे 21 मारा। हालांकि तिलक बाबू से थोड़ी सी मेरी शिकायतें हैं कि वो स्लो खेलने लगे, पिछले मैच में भी थोड़ा स्लो खेल रहे थे, इस बार भी थोड़ा स्लो खेले, शायद कैप्टेंसी की वजह से वो क्रीज पर ज़्यादा देर तक रहना चाह रहे होंगे, ये हो सकता है क्योंकि वो कैप्टन है। लेकिन ठीक है, मतलब उनसे हम थोड़ा तेज वाला बैटिंग एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी आयुष बदोनी, निहाल वडेरा सब बढ़िया खेल रहे थे, इंडिया का रेगुलर डोमिनेंस था, हर जगह हम डोमिनेट कर रहे हैं, हर फॉर्मेट में कर रहे हैं। इस फॉर्मेट में तो वैसे भी हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं। पाकिस्तान वाले मैच में हमने 7 रन से मैच जीता था, पाकिस्तान को हराया था हमने, पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया था, यूएई को भी हमने धुआं धुआं कर दिया है और 7 विकेट से हराया। अब उधर 7 रन से जीते, इधर 7 विकेट से जीते, लौंडे फिर चिल्ला दिए क्या, थाला फॉर अ रीजन। हाँ, 2 में से 2 मैच इंडिया ने जीता है और कंप्लीट डोमिनेंस जो है वो देखने को मिला। इंडिया आए 111 रन बनाती है 10 ओवर 5 गेंद में, यूएई को हराते हैं 7 ओवर बनाते हैं और ये मैच हमारे फेवर में आता है। इस मैच में जो बड़ी हाईलाइट थी वो एक थी रसिक सलाम का, 5 गेंद में 3 विकेट निकालना। रसिक सलाम ने 2 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट निकाले और ये बेहतरीन था, इनकी परफॉर्मेंस का असर था कि इतनी जल्दी ऑल आउट हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात थी पहले ओवर में लड़के ने 3 विकेट निकाल दिया, यार क्या टैलेंट है, मतलब बढ़िया चल रहा है। रसिक सलाम जिस तरह से एक्सेप्शनल टैलेंट दिखा रहे हैं, दोनों तरफ गेंद को स्विंग करते हैं और जो पेशेंस है, आई थिंक उनकी स्किल्स आगे आने वाले समय में काफ़ी काम आने वाली इंडिया के लिए और उनका ही भला करेगी। उनका अपना IPL में रेट जो है वो काफ़ी बड़ा होगा और टीम की बल्ले बल्ले तो होगी होगी, ये भी तय माना जा रहा है। यूएई शुरुआत में बैटिंग कर रही थी, कोई खास रहा नहीं। अंशुल कंबोज 2 ओवर में 17 रन, उन्होंने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की। निशांत संधु 3 ओवर 17 रन, रसिक सलाम 2 ओवर 15 रन। सबसे महंगे बॉलर वही साबित हुए जो सबसे एक्सपीरियंस थे, राहुल चेहर साहब, मतलब उनसे हम बेटर उम्मीद कर रहे थे, लेकिन पिछले मैच में भी वो पिटे थे, इस मैच में पिटे 4 ओवर में 38 रन, पता नहीं क्या उनको हो गया। अभिषेक शर्मा ने 1 ओवर किया, 1 मिडन डाला, विकेट निकाल दिया। रमनदीप सिंह का खास रहा, यार रमनदीप सिंह आमतौर पर हिटर के तौर पर जाने आते हैं लेकिन गेंदबाजी भी की, 2 ओवर में 7 रन 2 विकेट। निहाल वडेरा ने भी 5 गेंद डाली, 1 विकेट निकाल दिया। सो इंडिया के पास बॉलिंग में भी डेप्थ दिख रही है, बैटिंग में भी काफ़ी डेप्थ जो है दिख रही है और IPL का रेट जो है वो भी बड़ा हो रहा है। ये निहाल वडेरा, रमनदीप और जितने रसिक सलाम या फिर अंशुल कंबोज, ये सारे लड़कों के रेट बहुत महंगे होने वाले हैं क्योंकि ये सब बड़े कमाल के प्लेयर हैं, बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया बल्लेबाजी ये सब कर रहे हैं और ये कमाल जाने वाला है, अद्भुत ये है। अभिषेक शर्मा को ले लीजिए यार, 1 ओवर में 22 रन ठोक दिया, मतलब क्या बढ़िया बैटिंग है यार, छक्का चौका डबल छक्का चौका, सो क्लास लड़का है। बदोनी ने क्या कैच पकड़ा यार, बदोनी का भी दिखा नहीं हमें फ्लेवर क्योंकि इस मैच में रन बनाने को था नहीं, बट क्या कैच पकड़ा यार, पिछले मैच में रमनदीप ने कैच पकड़ा था, इस मैच में बदोनी ने। मुझे बार बार कहना पड़ रहा है कि इमर्जिंग एशिया कप जिस टाइम आया है वो बहुत राइट टाइम है प्लेयर्स के हिसाब से, लेकिन फ्रेंचाइज की जेब बहुत खाली होने वाली है, बिकॉज जिस तरह की परफॉर्मेंस है 1-2 करोड़ रुपया तो कहीं नहीं जाने वाला है इन 4-5 खिलाड़ियों को, जिनका जिनका नाम लिया मैंने, आपके रमनदीप का KKR को बहुत महंगा पड़ेगा, आपके बाकी जो बॉलर्स हैं, आप
सबको ले लो यार, प्रभ सिमरन से लेकर जितने भी लड़के हैं ये सब आपके महंगे बिकने वाले हैं और आने वाले टाइम में इन सब पे खर्चा होगा। अंशुर कंबोज को आप महंगा खरीदोगे, आपका राशिक सलाम काफ़ी महंगा बिकने वाला है आप मान के चलो, निहाल वडेरा, रमनदीप, अभिषेक तो चलो सारे अपने आप ले लेगी, रिटेन करेगी, तो ये सारे खिलाड़ी काफ़ी महंगे बिकने वाले हैं। बट ओवरऑल ग्रेट मैच, ग्रेट फाइट, लेट्स जस्ट होप टू सी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन फाइनल। एक बार फिर पाकिस्तान को हराएंगे फाइनल में, है ना।